अस्सलाम वालेकुम, दिस इज आमिर हनीफ। आप सब खैरियत से होंगे। मेरी इस वीडियो में जो आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर शो हो रही होगी, तो इसलिए ये वीडियो जो कमेंट आपको यहाँ पे शो हो रहा है कि वीडियो खामखा लंबी करने का फायदा, वो मेरा स्टार्टअप था, वीडियोस न्यू क्रिएट कर रहा था, जितना नॉलेज मेरे पास था वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा था, उस नॉलेज को थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं, थोड़ा सा याद कर लेते हैं कि उसमें हमने क्या शेयर किया था आपके साथ। तो अगर आप कंपनी फॉर्म करना चाह रहे हैं यूएस में, और तो आपको किसी भी आपके रिलेटिव की जरूरत नहीं है, अगर वो आपके पार्टनर्स नहीं है तो आपको उनकी जरूरत नहीं है, कोई आपका मामू या चाचू आपकी कंपनी को होल्ड ना करे, आप अपनी कंपनी के 100% ऑनर खुद बन सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक बिजनेस एड्रेस होना जरूरी है, वो आप पोस्ट स्कैन मेल से या एनी टाइम मेल बॉक्स से ले सकते हैं। तो पोस्ट स्कैन मेल से लेने के लिए आप कैसे ले सकते हैं, अगर आपको नहीं मालूम तो आप हमारे ब्लॉग के ऊपर आए, यहाँ पे आपको हमारा ब्लॉग मिल रहा है, ब्लॉग के ऊपर आपको बताया गया है कि आप कैसे पोस्ट स्कैन मेल से या एनी टाइम मेल बॉक्स से अपना बिजनेस एड्रेस परचेस कर सकते हैं। बिजनेस एड्रेस आपने परचेस कर लिया, अगर आपका सर्विस प्रोवाइडर आपको बिजनेस मेलिंग एड्रेस प्रोवाइड नहीं कर रहा, तो आप अपना बिजनेस मेलिंग एड्रेस पोस्ट स्कैन मेल या एनी टाइम मेल बॉक्स से परचेस करके उसे यूज करेंगे अपने बिजनेस के लिए। अगर आपका सर्विस प्रोवाइडर आपको प्रोवाइड करे, फॉर एग्जांपल बैटर डिगर, INC फाइल, ये आपको बिजनेस मेलिंग एड्रेस भी प्रोवाइड करते हैं रजिस्टर्ड एजेंट के साथ। बाय लॉ आप रजिस्टर्ड एजेंट का एड्रेस अपने बिजनेस के लिए यूज नहीं कर सकते, तो आपका जो रजिस्टर्ड एजेंट का एड्रेस होगा वो सिर्फ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या फेडरल गवर्नमेंट के लिए यूज किया जा सकता है। वो जो गवर्नमेंट के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई नोटिस आएंगे तो सिर्फ वो उसी को रिसीव कर सकते हैं, वो आपको फिर नोटिफिकेशन देते हैं कि आपका ये डॉक्यूमेंट, ये नोटिस स्टेट की तरफ से हमें रिसीव हुआ है। पहला आपने अपने लिए बिजनेस मेलिंग एड्रेस लेना है, अगर आपका सर्विस प्रोवाइडर आपको प्रोवाइड नहीं करा, हमारे ब्लॉग के ऊपर आपको इसका पूरा मिल जाएगा कि आपने कैसे इसको परचेस करना है, उसके क्या स्टेप्स होंगे, यूट्यूब हमारे चैनल के ऊपर से आपको मिल जाएगा। यूट्यूब के ऊपर और बहुत सी वीडियोज हैं जो आपको बता रही होंगी कि आप अपना जो बिजनेस मेलिंग एड्रेस है उसे कैसे परचेस कर सकते हैं। उसके अलावा आपके पास रजिस्टर्ड सेकेंड जो है वो रजिस्टर्ड एजेंट होना जरूरी है। अगर आपके पास रजिस्टर्ड एजेंट नहीं है तो आप जस्ट यहां पे क्रोम में जाएं, अगर आप खुद अपनी कंपनी फाइल करना चाह रहे हैं तो जस्ट क्रोम में जाएं और लिखें कि नेवाडा रजिस्टर्ड एजेंट, तो नेवाडा रजिस्टर्ड एजेंट को लिखने के साथ आपके ब्राउजर में आपको ओपन हो जाएगा नेवाडा के रजिस्टर्ड एजेंट्स। तो मैं यहां पे नेवाडा रजिस्टर्ड एजेंट्स लिख देता हूं, नेवाडा रजिस्टर्ड एजेंट। तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट वेबसाइट्स ओपन हो जाएंगी, इसको ज्यादा अच्छे से लिखने के लिए आपके पास यहाँ पे मैप आपको शो होगा, तो यहाँ पे आप देखें नीचे आए, यहाँ पे नेवाडा रजिस्टर्ड एजेंट 4.2 इनकी रेटिंग है, आप इनको हायर कर सकते हैं अपनी LLC को फॉर्म करने के लिए। और उसके बाद जो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा, आपके पास बिजनेस मेलिंग एड्रेस आ गया, आपके पास रजिस्टर्ड एजेंट आ गया, आपके पास अब LLC आ गई है, अब आपने ऑप्टेन करना है EIN। EIN के लिए आप खुद कॉल के ऊपर ऑप्टेन कर सकते हैं, IRS डिपार्टमेंट के साथ बात करके, अगर आपका जो सर्विस प्रोवाइडर है वो कर रहा है तो वो भी ये स्टेप कर सकते हैं, अगर आपको आप डॉक्यूमेंट साइन करके उनको परमिशन देते हैं तो वो आपके बिहाफ के ऊपर आपका EIN सबमिट करेगा, और 7 to 30 days EIN IRS डिपार्टमेंट लेता है, और अगर आपके पास SSN है, सोशल सिक्योरिटी नंबर है, तो विद इन 24 hours ऑन द स्पॉट आप जस्ट ऑनलाइन जाएं IRS डिपार्टमेंट की वेबसाइट के ऊपर, और आप विद इन 10-20 minutes में आप अपनी जो PDF की फाइल है, आपका EIN नंबर जनरेट हो जाएगा और आप उसे डाउनलोड कर लेंगे। ये स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स के बाद आप अपना बैंक अकाउंट ओपन करते हैं अपने बिजनेस को रन करने के लिए। आपके बिजनेस को एक बैंक अकाउंट की जरूरत है जिसे आपने यूज करना है आपकी ट्रांजैक्शंस के लिए। तो बिजनेस बैंक अकाउंट आपके पास तीन ऑप्शंस हैं जो आपके साथ रिवील करने वाला हूं। एक है वाइस बिजनेस बैंक अकाउंट, पर अनफॉर्चुनेटली वो आपको US के अंदर जो है डेबिट कार्ड नहीं देता,
तो आपके पास सेकंड ऑप्शन आ जाए, तो उसका अल्टरनेटिव है मर्करी बैंक अकाउंट। मर्करी बैंक अकाउंट आपको वर्चुअल एंड डेबिट कार्ड दोनों प्रोवाइड करता है। इवन जब आप अपने डेबिट कार्ड को, फिजिकल कार्ड को, आप अपने बिजनेस मेलिंग एड्रेस के ऊपर, जो आपने पोस्ट के मेल या एनी टाइम मेल बॉक्स से परचेस किया है, वहां पे सेंड करते हैं, तो वो आपको फॉरवर्ड कर देते हैं आपके होम एड्रेस के ऊपर पाकिस्तान में। उसके बाद आपको तीसरा जो ऑप्शन है बैंक का, वो है ब्रेक्स बैंक। मर्करी बैंक अकाउंट आपने कैसे क्रिएट करना है, चैनल के ऊपर से नीचे डिस्क्रिप्शन से आपको वीडियो मिल जाएगी। उसके बाद थर्ड बैंक की तरफ जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द लाइक बटन और बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें कि आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो उसके बाद ब्रेक्स बैंक है जिसको आप ले सकते हैं। ये ब्रेक्स बैंक का जो मैंने सुना था, इसके ऊपर सिर्फ स्टडी की थी, लेकिन हमारे एक क्लाइंट जिनकी फाइलिंग हमने मॉन्टाना स्टेट में की थी, शायद वो ये वीडियो देख भी रहे हो, तो उन्होंने मुझे ब्रेक्स बैंक अकाउंट के बारे में बताया था। जो एक्सपीरियंस उनका हुआ, उनका जो कार्ड था वो उनको पाकिस्तान में रिसीव भी हुआ है। तो आप भी ब्रेक्स बैंक को यूज करें, एक्सप्लोर करें, आप उसे यूज करें अपने बिजनेस के लिए। और एक बिजनेस ओनर के पास जितने भी बैंक हों वो कम है, क्योंकि ट्रांजैक्शंस उनकी ब्रेक्स में नहीं, मर्करी में नहीं, आपने पाकिस्तान भी मंगवाने होंगे, तो वाइस इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर ट्रांजैक्शन इन पाकिस्तान। और इसके बाद आपका जो बिजनेस बैंक है, फिर आप अपने FBA होलसेल्स करें, तो उसके लिए आपको रीसेल सर्टिफिकेट चाहिए। और रीसेल, अगर आप FBA होलसेल्स करें, तो यहाँ पे स्टेट्स जो हम रेकमेंड करते हैं वो वायोमिंग, फ्लोरिडा, टेक्सास, ये 6 स्टेट्स हैं, यहाँ से आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इनकी ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आपको हमारे ब्लॉग पे जाना होगा, blog.mikaguru.com। नीचे डिस्क्रिप्शन से आपको लिंक मिल जाएगा, आपको स्क्रीन के ऊपर भी शो रहा होगा। यहाँ पे आपको, यहाँ पे दिखा देता हूँ कि ऑनलाइन माइका गुरु, यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर, इसके ऊपर आप चले जाए और यहाँ पे आप अपनी जो स्टडी है उसको करें। यहाँ पे आपको काफी हेल्प आउट होगा, आपको यानी वे बताएंगे, हमारे ऑथर ने बहुत मेहनत की है इसको लिखने में, तो वो आपकी जरूर हेल्पफुल हो जाएगी। तो ये एक सिनेरियो था, ये एक रिव्यू था उस वीडियो का जो मैं यहाँ पे कर रहा हूं। मैंने उस वीडियो में ये सारी चीजें डिस्क्राइब की थी, तब मुझे 2020 में वो वीडियो क्रिएट की गई थी, और जितना मुझे नॉलेज था वो मैंने आपसे शेयर किया था। अगर आपका भी नॉलेज है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें, ईकॉम माइका गुरु को ज्वाइन करें, और वहां पे अपना एक्सपीरियंस, अपना शेयर, अपना नॉलेज शेयर करें कि दूसरे इससे फायदा उठा के। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।